स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी शिक्षा आधुनिकता या मूर्खता। यानी कि आज बात हो रही है कि जो भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जो कल्चर बढ़ता जा रहा है, यानी कि अगर आप ये देखें कि भारत में खुलने वाले लगभग जितने भी स्कूल हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं, वो धीरे धीरे या फिर कह लीजिए 99% उनका जो एजुकेशन बेस्ड सिस्टम है वो इंग्लिश पैटर्न पर होता जा रहा है। क्या ये शिक्षा भारत को आगे की तरफ ले जा रही है, यानी शिक्षा भारत को किस तरफ लेकर जा रही है? तो दरअसल मैं कहना चाहूंगा कि अंग्रेजी शिक्षा भारत को मूर्खता की तरफ लेकर जा रही है। जी हाँ, आप मेरी बात को गौर से सुनिए। अंग्रेजी शिक्षा भारत को मूर्खता की तरफ लेकर जा रही है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ, जरा इसके पीछे की वजह को आप गौर से सुनिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा कि अंग्रेजी शिक्षा किस तरीके से भारतीय छात्र और भारतीय शिक्षा का दमन कर रही है। वो वक्त 1835 का, जब लॉर्ड मैकाले ने भारतीय शिक्षा को अंग्रेजी शिक्षा में पढ़ाने या फिर चलाने का आदेश प्रदान किया और उसी के तहत भारत में अंग्रेजी शिक्षा स्थापित की गई। और लॉर्ड मैकाले के तहत 1835 में अंग्रेजी शिक्षा को भारतीय शिक्षा के रूप में प्रस्तुत किया गया। उस समय भारत के जो मूल लोग थे या जो भारत के महान शिक्षाविद थे, उन्होंने अंग्रेजी का बहुत पुरजोर विरोध किया। उनका ऐसा मानना था कि भारतीय शिक्षा जो है वो अपनी ही भाषाओं में होना चाहिए, यानी किसी भी देश की शिक्षा जब वो अपनी भाषा में होती है तो वहाँ के लोग ज्यादा योग्य और समृद्ध होते हैं बजाय विदेशी शिक्षा के। क्योंकि जो भारतीय शिक्षा होगी या किसी देश की अपनी शिक्षा होगी, अगर वो अपनी भाषा में होगी तो वहाँ का जो व्यक्ति है, जो बच्चा है, जो पैदा होगा, वो अपनी भाषा को तो जानता ही है, लेकिन जब वो स्कूल जाएगा तो वहां से वो सीखना नहीं बल्कि पढ़ना शुरू करेगा, चलना नहीं बल्कि दौड़ना शुरू करेगा। लेकिन अगर वो शिक्षा इंग्लिश में कर दी जाए तो उससे क्या फर्क पड़ेगा, आप जरा समझिए। जब तक इस देश की भाषा अंग्रेजी नहीं थी, तब तक भारत दुनिया का विश्वगुरु कहलाता था। यानी आप इसको ऐसे समझ लीजिए, दुनिया का पहला स्कूल या दुनिया का पहला विश्वविद्यालय वो भी भारत में खुला। विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी के बारे में लोग जानते भी नहीं थे तब भारत में विश्वविद्यालय चल रहे थे। लेकिन जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा भारत में आती गई, भारतीय शिक्षा तबाह होती चली गई। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, जरा आप समझिए कि एक बच्चा जो स्कूल जाता है उसकी सारी बुक्स किस भाषा में है, तो आप कहोगे सर अंग्रेजी में है, यानी इंग्लिश में है। तो क्या वो बच्चे को इंग्लिश आती है, तो आपका कॉन्सेप्ट होगा नहीं आती है, क्योंकि बच्चा तो पैदा हिंदुस्तान में हुआ है, सीखा उसने क्या है, हिंदी या फिर अपनी मातृभाषा या फिर अपनी राजभाषा जो भी है वो उस भाषा को सीखता है। लेकिन उसके सीखने के बाद जब वो स्कूल जाता है, पहली से लेकर के दसवीं क्लास तक वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सीखने का नाटक करता है। क्यों नाटक करता है, क्योंकि उसको नाटक करना पड़ता है। अगर वो करेगा नहीं तो कर भी क्या सकता है, वो स्कूल जाएगा, उसकी सारी की सारी बुक्स इंग्लिश में है, सारा का सारा सब्जेक्ट इंग्लिश में है, तो उसको इंग्लिश तो पढ़ना ही पड़ेगा, वर्ड मीनिंग याद करनी पड़ेगी, ग्रामर समझना पड़ेगा। और यही करते करते बच्चा दसवीं क्लास तक चला आता है और वो यही सीखते रह जाता है कि वह स्कूल जाता है, क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्या वह खाना खाता है, वह खाना क्यों नहीं खाता है। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि बच्चा पढ़ने जा रहा है या बंदरगिरी करने जा रहा है। साइंस, मैथ, सोशल साइंस, कंप्यूटर्स जैसे सब्जेक्ट को पढ़ना था, उसी कॉन्सेप्ट को सीखना था, वो बच्चा वहां पर जाकर के नौटंकी की पाठशाला की तरह काम कर रहा है। आप ही सोचिए कि अगर वो बच्चा हिंदी में पढ़ता तो उसको हिंदी बोलने आती है, उसको हिंदी समझने आती है, यानी कि वो अपना टाइम ये सीखने में, नौटंकी करने में बर्बाद नहीं करता कि क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों जाता है, क्यों नहीं जाता है, क्या वह खाना खा रहा होगा, वह खाना क्यों नहीं खा रहा होगा। व्हाट इज दिस मैन, आपने इसको क्या बना दिया बच्चे को, बच्चे को आपने इंसान नहीं बल्कि बंदर बना दिया है। और वो बच्चा बंदरगिरी करते करते 10th क्लास तक चला जाता है, ना तो उसको ग्रामर आता है और ना ही उसको वर्ड मीनिंग आती है। जब बच्चे को मीनिंग ही नहीं आती है, उसको ग्रामर ही नहीं आता है, तो बच्चा अपनी किताब को क्या पढ़ा, तो आपका जवाब होगा कि कुछ भी नहीं पढ़ा। क्यों नहीं पढ़ा, बच्चे को समझ में कब आएगा, जब उसको ग्रामर समझ में आएगा, जब उसको वर्ड मीनिंग समझ आएगी। ना तो वो ग्रामर समझ पा रहा और ना ही वो वर्ड मीनिंग समझ पा रहा, तो इसका परिणाम क्या हो रहा है कि वो सिर्फ और सिर्फ नौटंकी करते करते बंदर बनता चला जा रहा है। इसीलिए जो सिस्टम है, जो शिक्षा है, वो सिर्फ एक बंदर जैसी बनती जा रही है। और वो क्लास फर्स्ट से लेकर 10th तक बंदर बनता चला गया और उसको उसके बीच की जो एजुकेशन है उसको मालूम ही नहीं पड़ा। क्योंकि आधुनिकता या टैलेंट का पैमाना है तो फिर अंग्रेजों के देश में उनको अपने ही बच्चों को स्कूल भेजने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इंग्लिश पैमाना होती आधुनिकता की या फिर टैलेंट की, तो अंग्रेजों के बच्चे या जो अंग्रेज हैं, जो उनके बच्चे, वो स्कूल क्यों जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो इंग्लिश पहले से आती है। तो जो इंग्लिश आप आधुनिकता का पैमाना लेकर के चल रहे हो, टैलेंट का पैमाना लेकर चल रहे हो, उनके तो जन्म लेने वाले बच्चों को ही इंग्लिश आती है, तो फिर वो स्कूल उनको क्यों भेजते हैं, ये बात आपको समझनी चाहिए। भाषा
कोई भी टैलेंट का पैमाना नहीं होती, वो सिर्फ अपने विचारों को प्रकट करने का एक माध्यम होती है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। लेकिन अब आपके सामने एक सवाल और आ रहा होगा कि अगर बच्चे इंग्लिश नहीं पढ़ेंगे तो कंप्यूटर कैसे चलाएंगे, मोबाइल कैसे चलाएंगे, या फिर आगे की जो पढ़ाई है या जो काम है उसको कैसे किया जाएगा। तो ये दरअसल आपको बेवकूफ़ बनाने के लिए ऐसा एक गेम खेला गया जिसे आप लोग या फिर भारत के लोग समझ नहीं पाए। इसके पीछे का क्या उद्देश्य है जरा मैं आपको बताता हूँ। जैसे कुछ देश हैं जर्मनी, फ्रांस, जापान, चाइना, ये कुछ ऐसे देश हैं जहाँ पर इंग्लिश नहीं चलती, वहाँ पर अपनी ही मातृभाषा में एजुकेशन यानी कि शिक्षा दी जाती है। जापान में जापानीज, चाइना में चाइनीज, फ्रांस में फ्रेंच और जर्मनी में जर्मन लैंग्वेज चलती है। तो क्या वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते हैं? क्या वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाते हैं? क्या वहाँ के लोग टेक्नोलॉजी से अपरिचित हैं? क्या वहाँ के लोग कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं? तो आपका जवाब होगा कि बिल्कुल हर एक चीज़ का वो इस्तेमाल करते हैं। तो फिर मेरा सवाल आपसे है, वहाँ तो इंग्लिश नहीं है तो फिर वहाँ के लोग इतने टैलेंटेड क्यों हैं? अगर आपको लगता है कि इंग्लिश सीखने से ही कंप्यूटर चल सकता है तो वहाँ के लोगों को तो इंग्लिश आती ही नहीं, तो वो लोग कंप्यूटर कैसे चलाते हैं, हवाई जहाज कैसे उड़ाते हैं, ट्रेन कैसे चलाते हैं? तो दरअसल इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि उनके यहाँ पढ़ाई अपनी ही मातृभाषा में होती है और हर एक सिस्टम, हर एक पैरामीटर उनकी अपनी ही लैंग्वेज में डिफाइन होता है, चाहे वो कंप्यूटर हो या फिर वो एरोप्लेन हो या फिर उनकी ट्रेन हो। तो भारत में ऐसा सिस्टम क्यों नहीं अपनाया गया, जो बच्चा हिंदी जानता है वो स्कूल में जा करके हिंदी में पढ़ाई करने के बजाय वो फर्स्ट से लेकर के टेंथ क्लास तक बंदरों जैसी हरकतें करने में ही अपना सारा टाइम गुजार दे रहा है या फिर उसको स्पेंड कर दे रहा है? आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? जिस बच्चे को स्कूल में जाकर के कॉन्सेप्ट सीखना था वो बच्चा जाकर के सीख रहा है कि क्या वह स्कूल जाता है, वह स्कूल क्यों नहीं जाता है, क्या वह स्कूल जा रहा होगा? क्या आप अपने बच्चे को सिर्फ नौटंकी करने के लिए भेजते हैं? अगर सिर्फ ऐसी नौटंकी करना है तो घर पे भी कर सकता है, फिर उसको स्कूल भेजने की क्या आवश्यकता है? दरअसल ये गलती आपकी और हमारी नहीं, ये हमारे विचारों की है कि हमने इसको समझ नहीं पाया। दुनिया के जितने भी देश थे उन्होंने अपनी शिक्षा को आधुनिक बनाने के लिए अपनी ही मातृभाषा का प्रयोग किया और अपने देश के लोगों को आगे बढ़ाया। इस पढ़ना ही परफेक्ट स्टूडेंट बनना होता तो सबसे अधिक मूर्ख चाइना, जापान, फ्रांस और जर्मनी के लोग होते। जानते हो क्यों? क्योंकि वहां पर इंग्लिश पढ़ाई नहीं जाती, वहां की जो शिक्षा है वो वहां की मातृभाषा में दी जाती है। चाइना में चाइनीज, फ्रांस में फ्रेंच, जर्मनी में जर्मन और जापान में जापानी, यानी कि वहाँ की जो शिक्षा वो इंग्लिश है ही नहीं। तो जरा सोचिए कि क्या वहाँ के लोग मूर्ख होते हैं? जब तक हमारा बच्चा 10 से 15 साल इंग्लिश सीखने में खर्च करता है उतने में वहाँ का बच्चा कॉन्सेप्चुअल एजुकेशन सीख करके, टेक्निकल एजुकेशन सीख करके अपने काम लग चुका होता है। और यही भारतीय शिक्षा और विदेशी शिक्षा के बीच अंतर है। यानी जो अपनी मातृभाषा पढ़ाई कर रहा है वो तो आगे जा रहा है और जो विदेशी भाषा के पीछे भाग रहा है वो मूर्खों की कैटेगरी में शामिल होता जा रहा है। वजह आपके सामने है कि अगर आप अपनी मातृभाषा में पढ़ेंगे तो आपको स्कूल में जाकर सिर्फ पढ़ना होगा, यदि आप विदेशी भाषा में पढ़ेंगे तो आपको 10 से 15 साल उस भाषा को सिर्फ सीखने में लगेगा और जब तक आप उस भाषा को सीखेंगे नहीं तब तक आप पढ़ेंगे कैसे, और जब आप पढ़ेंगे नहीं तो आप सीखेंगे कैसे, और आप जब सीखेंगे ही नहीं तो शिक्षा तो आपकी वहीं पर अपने आप ध्वस्त हो गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग। रजिस्टर एमपी।